थर्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए अभी हम हैं एंड मैं एक खास वजह से इस बार फिल्म बाजार में आया एंड मेरे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है यस नीडर ये स्टूडियो का देख के पता चल गया होगा कि मैं इस फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ एंड विथ मी आई हैव जिन्हें हम बचपन से देखते आ रहे हैं बचपन से डरते आ रहे हैं लेकिन जब सामने जब देखा तो यस उनसे सबसे अच्छा इंसान अभी कोई नहीं है सर सर आप इतने मतलब रियल लाइफ में डराते हैं रियल लाइफ में फंसाते हैं क्या है राज सर राज कोई नहीं है जिंदगी यही है कहाँ आज के दिनों में किसी को डरा सकते हैं फट से इंक्वायरी बैठ जाएगी आपके ऊपर काम कर रहे हो आप दूसरों को वो नहीं जाएंगे तो नॉर्मल जिंदगी में तो आप नॉर्मली रहते हो तो नॉर्मल लोगों के बीच में रहते हैं तो वैसे ही बिहेव करना पड़ेगा सिनेमा का इसलिए है क्योंकि कहानी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि कई बार चीज़ें हुई हुई होती हैं उनको वापस पर्दे में लाना और उसमें वही चीज़ भरना इसी का नाम फिल्म मेकिंग है तो कई बार हम हमारी सोच कुछ लिखती है उसके अंदर उन किरदारों को भरना वो वैसे बिहेव करेंगे जिसमें लिखा गया है इसी को फिल्म मेकिंग कहा जाता है तो उसके बाहर निकलते हैं या बेटर है आम आदमी हो जाए वरना गड़बड़ हो जाए रियल लाइफ में आप जैसे ह्यूमन बीइंग मिलना अभी देखिए यहाँ आए हैं आपको मालूम है लोग मिलेंगे हम उनसे मिलना चाहते हैं नए लोग मिलेंगे उनकी सोच नहीं होगी कुछ हम सीखेंगे उनसे तो ये उसी का नतीजा है कि हम मैन आई कंसिडर माई सेल्फ टोटली नॉर्मल पर्सन अब अगर अपने को कुछ स्पेशल समझना है तो ये सब नहीं देख पाते स्पेशल समझना तो बाजार में नहीं देख सकते अगर आप स्पेशल समझ रहे हो तो आप पैदल कभी नहीं जा सकते वो सब मुझे नहीं चाहिए मैं नॉर्मल आदमी हूँ मुझे यहाँ से वहाँ पैदल जाना तो मैं पैदल जाऊँ तो समझ लीजिए आप एंजॉय मुकेश ऋषि हमारे साथ है और सर इस फिल्म की वजह से आप यहाँ पे हमारे साथ जो राघव ऋषि उनके बेटे जो एक्टिंग इंटरनेशनल राघव सर मनदीप सर हमारे साथ है डायरेक्टर सर फिल्म के बारे में बात करेंगे क्या है ये फिल्म मैं आपसे शुरू करेंगे क्या है देखिए ये फिल्म है लीडर एंड फियरलेस तो ये फादर एंड सन की कहानी है और कहानी भी हमने कोई इसी तरह नहीं चुनी कहानी हमने चुनी थी जो स्पेशली राघव की पसंदी सूट करती है जिसमें राघव मर्ज तो लगेगी कहानी का हिस्सा है तो उसी तरह की कहानी चुनी गई डायरेक्टर साहब की सोच साहब तो उस तरह एक कहानी बनाई गई हमने तो एक चीज़ इसमें अच्छी ये थी कि इन्होंने एग्जैक्टली पता था कि ये दो मेन एक्टर इनके लिए तो नॉर्मली कहता हूँ कहानी बनाते हो फिर आपने चार किस्म के एक्टर सोच करते अगर ये नहीं आए तो हम इनके साथ काम करेंगे तो इनको डायरेक्टर साहब को ये पता था कि राघव क्या है क्या है उसका कैसा है इनको मेरे बारे में पता तो इसलिए वो कहानी जल्दी हमारी हमने सोच लिया कि किसी तरह की कहानी तो उसमें आप राइट वाला मीटिंग भी और बातें कहा थे फर्स्ट टाइम आप पर्दे पे आ रहे हैं मतलब एक्टिंग करनी थी या फिर इस रोल के वजह से खास आपको तैयार किया गया नहीं ऐसा कभी पहली बात तो आई लाइक टू से थैंक यू फॉर हैविंग अस नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ इस रोल के लिए मुझे तैयार किया गया जब आप कोई काम करते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सेट योर माइंड की इसका एक फ्यूचर हो तो जी हाँ एक्टिंग करनी थी बिट्स एंड पीसेस चल रहा था काम यहाँ पे प्रैक्टिस चलते रहते थे डिफरेंट डिफरेंट सीन्स की इवन बिफोर द मूवी एंड इवेंचुअली हमने ये प्लान आउट किया जब मैं एक स्टेज पे आ गया लीड शॉट को लगा कि हाँ ये एक्टिंग कर सकता है ये काम कर सकता है ये वो काम कर सकता है जो हमें चाहिए तो लीडर तो किस तरह का माहौल था मतलब आपने अपने पिताजी को बचपन से देखा होगा काम करते हुए क्या आपको सजेशंस मिले या फिर सुझाव मिले जो आपको किस चीज़ का सुझाव नहीं मिले हर चीज़ के लिए माई के बोल सिंपल इन रिगार्ड्स टू एक्टिंग एंड अच्छी बात ये थी कि मैंने अपनी सारी प्रैक्टिस लोगों के पास सो मेनी एक्टर्स और स्ट्रगल्स होंगे उनके पास कोई पार्टनर नहीं होगा तो वो पार्टनर उतनी ही मेचोरिटी का होता है यू डोंट ग्रो फास्ट मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि मुझे
two, three CV actors, make some practice for him. And the good thing was that he never used to see me as a son. He used to see me as an individual. So, he was a little criticized for him. In fact, repetitively, काफी सारे scenes available at that time. पहले ही practice किए थे. वही है जवाब मेरा मिलता है. जवाब हुआ eventually and that turned out to be better. से बात करते वक्त आपका कुछ लेजर नजर आ रहे हैं, मतलब मजबूत एक मजबूत चीज है।